ये लम्हों में टूट जाता है, सालों में जाते हैं, और इसको जो चीज खराब करती है सबसे ज्यादा वो झूठ होता है। अगर खाने व्यक्ति बीवी के साथ झूठ बोलेगा तो बीवी चुप तो रहेगी, लेकिन दिल में उसकी इज्जत कदर खत्म हो जाएगी। और अगर किसी तरह बीवी झूठ बोले और आनंद को पता चल जाए तो आनंद उसको घर में नहीं रहने देगा। ये निकाह का बंधन टूट जाता है जैसे इत्मीनान खत्म हो जाता है। शरीयत ने कहा कि ये इत्मीनान इस दर्जे तक होना चाहिए कि अगर खानंद किसी बात की कसम उठा ले तो उसकी बीवी उसकी कसम को पूरा कर। ऐसा इत्मीनान एक बुजुर्ग की बात को पूरा करना, इसमें जितना ट्रांसपेरेंट लाइफ होगी उतना शादी की जिंदगी अच्छी होगी। बीवी खामे से बातें छुपाए और खामे बीवी से बातें छुपाए तो फिर जिंदगी कैसे बढ़े। और आजकल तो अजीब दौर आ गया, खामे ने अपने मोबाइल कोड पे 5-5 कोड लगाए होते हैं और बीवी ने अपने मोबाइल पे 10 कोड लगाए होते हैं। इसको पता नहीं होता कि उसके मोबाइल में क्या है, उसको पता नहीं होता इसके मोबाइल में। कहने को मियां बीवी होते हैं और एतमाद नाम की कोई चीज होती नहीं तो सुकून कैसे होगा। इसलिए फिर दूरियां हो जाती हैं, तलाकें हो जाती हैं। ये एतमाद पैदा करना और रखना ये जरूरत है। अज़वाजे ज़िंदगी अच्छी गुजरने के लिए ये शर्त है। इसलिए निकाह के बाद खामिद अपनी बीवी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करे और एतमाद पैदा करे, और बीवी खामिद के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करे और एतमाद पैदा करे, तो अज़्वाजी ज़िंदगी में एक दूसरे पर एतमाद का होना इंतहाई जरूरी है। दूसरा नकाह का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जब आसमान बारिश बरसाता है और जमीन उस पानी को जल करती है, इसके लिए नकाह का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और अज़्वाजी ज़िंदगी की ये भी एक अहम बात है, खामिद की मिसाल आसमान की मानद है और बीवी की मिसाल जमीन की मानद है। आसमान से पानी बरसता है, जमीन उसको जल करती है, फिर उसमें से खेतियाँ निकलती हैं। और अज़्वाजी ज़िंदगी में खामिद जो है वो हकूक ज़ौजियत अदा करता है, तो उससे आप यूँ समझिए कि आसमान ने पानी बरसाया, जमीन ने उसको जल किया, फिर औलाद की शक्ल में खेती निकल आती। इसलिए शरीयत ने बीवी को खेती से तशबीह दी है, निसाउकुम हर्सुल्लकुम फातू हर्सकुम मिन नाशितुम, कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती की मानद है। ये भी एक शादी की अहम बात है। अगर कोई खालिद अपनी बीवी को नजरअंदाज करता रहे और उसके हकूक की ज़ौजियत अदा न करे तो उसका घर आबाद नहीं होता, मुसीबत यहीं से होती है। अपनी बीवी को खतरा नहीं देते कि वो साफ सुथरी रहे, अच्छे कपड़े पहने, फिट होकर जिंदगी गुजारे, बस उसको धोबन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बच्चन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या पंडन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। 3 काम उससे लेते हैं, भाई ये काम वो कर रही है आपकी मुहब्बत में, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। मर्द हजरात का मजमा है तो आप हजरात सुन लीजिए कि औरत के फर्ज मनसबी में से ये नहीं है कि वो खाना बनाए या घर को साफ रखे या कपड़े धोए, ये वो खामिद की मोहब्बत में करती है और ये महमूद और अच्छी बात है। अगर वो कहे कि मुझसे ये नहीं होता तो खामिद अपना खुद इंतजाम करें, तो हमें इस बात की कदर करनी चाहिए कि हमारी बीवियाँ हमारी खातिर कितना मिट के जिंदगी उतारती है, सुबह से शाम तक लगी होती है कामों में, फिर बच्चों को संभालना इसकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है,
अगर हमें एक बच्चा सवाल ना पढ़ जाए ना, तो 5 मिनट के बाद बच्चे के उसको पढ़ने शुरू हो जाए। हम 5 मिनट नहीं संभाल सकते, और वो बेचारी सारा दिन सारी रात बच्चों को संभालती है, खपी होती है, और मर्द इसका एहसास ही नहीं करता कि बीवी मेरे लिए कितना कुर्बानी कर रही है। तो बीवी बीवी है, उसको उसके पर्सनल खर्चे के लिए हर महीने कुछ ना कुछ देना ये खामिद की जिम्मेदारी है, और वो खर्चा जब दे तो फिर उसे पूछे नहीं कि आपके कहाँ इस्तेमाल किए, उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। मसलन एक बंदा अपनी बीवी को 3,000 रुपया हर महीने देता है, तो जब दे दिया तो बस ये उसका फर्ज मनसबी था, ये दे दिया। अब वो उससे अपने ज़रूरत की चीज़ें खरीदती है, या अपने गरीब वालदेन को दे देती है, या किसी गरीब दोस्त को दे देती है, वो जो चाहती है ये उसका इख्तियार होना चाहिए। उसमें मजीद उसके पर तंगी ना करे कि तुमने ये 100 रुपया कहाँ खर्च किया, 50 कहाँ खर्च किया, 10 कहाँ खर्च किया। तो ये भी बीवी की जरूरियात में से एक जरूरत होती है, घर का खर्चा हर चीज है और बीवी का पर्सनल खर्चा, क्योंकि उसको अपनी जरूरियात भी चाहिए। अब वो कोई खुशबू हासिल करना चाहती है, कोई शैम्पू हासिल करना चाहती है, या उसके स्किन में कहीं कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए कोई क्रीम लेना चाहती है, तो अपनी आज़ादी के साथ अपनी जरूरत को हासिल कर सके। शरीयत ने एक इख्तियार दिया है इसको। जो लोग अपनी बीवी का ख्याल रखते हैं फिर उनकी जिंदगी में मसाइल नहीं होते, खुशियां बड़ी जिंदगी होती है। और जो लोग घर से तवज्जो हटा लेते हैं और दफ्तर में साथ काम करने वालियों पर तवज्जो ज्यादा, बाहर रास्तों में गुजरने वाली लड़कियों की तवज्जो ज्यादा, गैर महरम की तरफ तवज्जो ज्यादा, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसलिए बीवी के इन हकूक का अदा करना ये खामिद की जिम्मेदारी होती है। हमने देखा है कि कुछ लोग सऊदी चले जाते हैं, कुवैत चले गए, कतर चले गए, और 13 साल से वापस नहीं आए। हैरत की बात है, 13 साल से बीवी बस माँ बाप के पास रहती है और अपनी जिंदगी गुजार रही है खामिद के बगैर। ये जुल्म है। बीवी दूसरों की मोहताज है, एक खामिद जब है तो फिर उसको किसी गैर की मोहताजी की क्या जरूरत है, बस उसके अपनी माँ और बहनों के हवाले की हुई है, और माँ और बहनें उसको मुफ्त का माल समझ के खूब हुकूमत चलाती हैं। बाज घरों में तो ये भी सुनने में आया कि औरत को घर के रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने की इजाजत नहीं होती, सास कहती है पहले हमसे पूछो फिर दरवाजा खोल सकती है। ये भी कोई जिंदगी है भाई, वो बीवी है, घर की फर्ज है, तो उसको इतनी तो आज़ादी होनी चाहिए कि वो किचन में कोई चीज़ अपनी मर्जी से खा ले, या फ्रिज की कोई चीज़ अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर ले। इतनी तंगी कर देना कि उसका सांस लेना भी मुश्किल हो जाए, तो इससे फिर अज़वाजी जिंदगी पर असर पड़ जाए। और जो लोग बाहर मुल्क कमाने के शौक में जाते हैं वो जाएं, मगर उनको चाहिए कि 6 महीने बाद या ज़्यादा से ज़्यादा साल बाद ज़रूर चक्कर लगाएं, और 1-2 महीने बीवी के साथ गुजार के फिर वापस जाएं। नहीं बचत होती तो ना हो, नहीं पैसे बैलेंस ज़्यादा होता तो ना हो, मगर बीवी को इस तरह शादीशुदा कुंवारी बना के रखना ये भी जुल्म है। तो नकाह के 3 मानी हैं। पहला मानी कौन सा? एतमाद, मियां बीवी के दरमियान एतमाद।
ट्रस्ट होना एक दूसरे के ऊपर। हामिद जो मुझसे बात करे हामिद जो मुझसे बात करे ये जगह और बीवी उस पर कसम खाने को तैयार हो, ऐसा ट्रस्ट होना चाहिए बीवी जी के लिए। और बीवी भी ऐसे ही बन के रहे कि उसकी जिंदगी में झूठ कर शायद रखना साफ ट्रांसपेरेंट लाइफ हो, तो फिर उसको खामिद का प्यार भी मिलेगा, मोहब्बत भी मिलेगी, तो आपस में इत्माद का होना ये बेरहमानी और हामिद का अपनी बीवी के हुकूक की रियायत है उनका बर्तन बर्तन अदा करके रहना और अपनी बीवी को खर्चा देना ताकि वो अपने आप को मेंटेन कर सके, अपनी जरूरत की चीजें हासिल करे, इसमें वो किसी के मोहताज ना हो। शादीशुदा है हामिद की जिम्मेदारी। और तीसरा माना होता है कि अगर दो दरख्त करीब करीब लगे हुए हो ना तो उनकी शाखें एक दूसरे के साथ अंदर चली जाती हैं, तो जहाँ दो दरख्तों की शाखें एक दूसरे के अंदर चली जाए वहाँ छांव बहुत घनी होती है। तो ये माना भी है निकाह का कि उनकी जो औलाद हो रही है उस औलाद को मियां बीवी मिलकर इस तरह जो है तरबियत दें कि उस औलाद को छांव मिल जाए, जमाने की गर्म हवाओं से उनको हिफाजत नसीब हो जाए। जिस औलाद पर मियां और बीवी दोनों की शफ़क़तें हों, मोहब्बतें हों, उस औलाद की तरबियत हमेशा अच्छी होती है। औलाद बिगड़ने के आप अगर पीछे देखें यह बाप की गफलत होती है या माँ की गफलत जिसकी वजह से औलाद बिगड़ जाती है। और अगर मियां बीवी दोनों औलाद की तरबियत अच्छे अंदाज से करें और आपस में मशवरा करें और एक दूसरे के साथ मोहब्बत प्यार की जिंदगी गुजारें तो औलाद हमेशा नेक बनती है, अच्छी बनती है। तो निकाह के तीन मानी हैं और ये तीनों चीजें निकाह के अंदर होनी जरूरी है। एक बात और भी ध्यान में रखिए कि खामिद की सिफात में से एक अच्छी सिफत यह है कि खामिद के अंदर तहम्मुल मिजाजी होनी चाहिए। बाज तबीयतों में जल्दबाजी होती है और छोटी सी बात पे फौरन रिस्पांस दे देते हैं, अजवाजी जिंदगी में ये चीज़ ठीक नहीं है। छोटी छोटी बातों पे अगर आप गुस्सा करेंगे या तनकीद करेंगे तो अजवाजी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। ये विषय में रखते हैं कि ज्यादा गुस्सा करना कमजोरी की अलामत होती है, चुनाचे सेहतमंद की बजाय बीमार आदमी ज्यादा गुस्सा करता है, मर्द की बजाय औरत ज्यादा जल्दी गुस्सा कर लेती है और जवान की बजाय बूढ़ा बंदा जल्दी गुस्सा करता है। चुनाचे बड़े मियां थे वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब पेराई कमजोर हो गई है, उसने कहा बुढ़ापा है, डॉक्टर साहब कुछ दांत भी गिर गए हैं, उसने कहा बुढ़ापा है, डॉक्टर साहब उसकी ऊंचा सुनाई देता है, उसने कहा बुढ़ापा है, डॉक्टर साहब अब मैं चीजें भी भूल जाता हूँ, डॉक्टर ने कहा बड़े मियाँ बुढ़ापा है, अब बड़े मियाँ को गुस्सा आया हर बार ये क्या बात हुई कि हर बात के जवाब में बुढ़ापे बुढ़ापे बुढ़ापे, डॉक्टर ने कहा बड़े में ये भी बुढ़ापा है। तो बूढ़े लोग आमतौर पर जल्दी गुस्सा करते हैं, अल्पवाजी जिंदगी में जल्दी गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्से वाली बात भी हो तो भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठंडा रहना चाहिए, भूल लेना चाहिए। तो अच्छे खामिद की निशानियों में से एक निशानी कि उसकी तबीयत ठंडा मिजाज होनी चाहिए, कूल माइंडेड होना चाहिए।
ये जो अक्सर दूरियां होती हैं ना, ये तलाकें होती हैं, ये इसी गुस्से के वजह से होती है। एक मरला मेरे पास आया, अगर उसमें से गलती हो गई, क्या हुआ, गुस्सा आ गया था तो मैंने बीवी को तलाक दे दी। मैंने कहा बताओ आज तक किसी बंदे ने खुश होकर बीवी को तलाक दी है? जब भी तलाक दी है गुस्से में ही देता है बंदा, तलाक तो हो जाएगी अगर आप गुस्से में भी देंगे तो। इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए, तहम्मुल मिजाजी का होना इंतहाई अहम है। अंग्रेजी में कहते हैं हाई विंड ब्लो ऑन हाई माउंटेन, जितने ऊंचे पहाड़ होते हैं उनके ऊपर आंधियां बिल्कुल तेज चलती हैं, तो इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम आ जाती है, मुश्किल आ जाती है, उनको ठंडे दिली माप से सुलझाना ये अच्छी आदत होती है। एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम अपनी एक रौजा के घर में थे, उनकी बारी थी, दूसरी बीवी ने कोई अच्छा सालन या अच्छी चीज पकाई, अच्छी डिश बनाई, तो उनका ख्याल आया कि मैं नबी अलैहिस्सलाम को भी भेजूँ खाने के लिए। चुनांचे उन्होंने अपनी बांदी को एक बर्तन में वो खाना डाल के दिया कि जाओ नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करो। अब जब वो बांदी लेके आई नबी अलैहिस्सलाम को खाना देने के लिए, तो जिस घर में नबी अलैहिस्सलाम थे उस उम्र मोमिनीन को दिल के अंदर गैरत आई, तो जब मेरी बारी का दिन है तो नबी अलैहिस्सलाम को खाना भी मैं पका के जाऊंगी, कोई और क्यों भेजे। अब वो डिश पकड़ते हुए उन्होंने अधूरे मन से जो पकड़ी तो प्याला नीचे गिरा और टूट गया। हम जैसा कोई होता तो तमाशा बना देता, तो अंधी है तुझे नजर नहीं आता, तू बेवकूफ है, फला है तो फला है, और तुझे सही तरह खाना नहीं पकड़ा और खाना नीचे गिर गया। नबी अलैहिस्सलाम ने कोई लफ्ज नहीं बोला। हदीस पाक में आता है नबी अलैहिस्सलाम खुद गए और जहाँ बर्तन पड़े थे वहाँ से दो बर्तन उठाए, एक बर्तन में जो खाना गिरा हुआ था ना वो उसके अंदर डाल दिया, और जो दूसरा बर्तन प्याला उसके प्याले की तरह था जो टूट गया था वो उस औरत को वापस किया और कहा कि भाई ये उनको वापस कर, तो उनका प्याला टूट गया है तो हम उनको अपना प्याला उसकी जगह दे रहे हैं। और फिर फरमाया गारत उम्मुकी, तुम्हारी वालदा को गैरत आ गई इसलिए ऐसा हो गया। इसका मतलब ये कि एक फितरती चीज़ है, बहुत बात ऐसी बातें हो जाती हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कितनी मोहब्बत से और कितने हुस्न सलीका से इस मसले को हल कर दिया, न किसी को डांटा, न किसी को मारा, न किसी को गाली दी, और न बात का तमाशा बनाया, बात का विदंगड़ बनाया, उनको प्याला वापस करके उनका हक भी अदा कर दिया और खुद बर्तन में खाना लेकर तहम्मुल मिजाजी का भी सबूत दे दिया। बजाय इसके कि मियाँ बीवी के अंदर दूरियां होती, उल्टा बीवी के दिल में खामिद की मोहब्बत पड़ जाती है, अजमत पैदा हो जाती है, ये खामिद कितना अच्छा इंसान है। जिस बीवी के दिल में ये बात पैदा हो गई ना कि मेरा खामिद एक अच्छा इंसान है, वो बीवी सारी जिंदगी उस खामिद की खिदमत करेगी। हमारे करीब का एक सच्चा वाकया है कि कजन थे, लड़की और लड़का, उनकी आपस में शादी हुई। लड़की इतनी खूबसूरत थी कि लोग उसे जन्नत की हूर कहते थे, कि अल्लाह ताला ने हूर को दुनिया में दी, इतनी खूबसूरत थी लड़की। और लड़का जो था वो रंग का भी काला था, नक्शे भी मोटे मोटे थे, यानी उसको मैं बदसूरत तो नहीं कहता मगर उसकी सूरत में कोई जाजबियत नहीं थी। मियाँ बीवी जब इकट्ठे बैठे होते थे तो दिन रात का समा बनता था, बीवी दिन की तरह सफेद थी और हामिद रात की तरह। अब चूंकि कजन थे
एक भाई ने रिश्ता मांगा और दूसरे भाई ने रिश्ता दे दिया। अब मोहल्ले वाले तो इन चीजों को नहीं देखते कि भाई रिश्तेदार हैं, आपस में रिश्ता कर लिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो अपने कमेंट्स देते रहते हैं। लोगों ने रुकने से पहले ही बीवी को बार बार कहा, तुम्हारे लायक तो ये लड़का नहीं था, तुम्हारे बाप ने तुम्हें काम फेंक दिया और जान छुड़ा ली, तुम बाप पे बोझ बनी हुई थी। तो लड़की अंदर से ना खामिद के बारे में पहले से ही नफरत करती थी कि किसके पल्ले मुझे बात दिया गया। खैर शादी की रुखती हो गई तो बीवी ने खामिद को देखा भी सही कि मामूली शक्ल सूरत के आम आदमी है। तो बीवी ने फैसला कर लिया कि अब माँ बाप ने तो निकाह कर दिया था, अब मैं खामिद से खुद ही तलाक ले लेती हूँ और फिर बाद में मुकद्दर हुआ तो मेरे रिश्ते तो बहुत है, कोई और आएगा और मैं कहीं और शादी कर लूँगी। दो तीन दिन गुजारने के बाद बीवी वापस अपने घर आई माँ बाप को मिलने के लिए अपने गांव में। तो एक दो दिन के बाद खामिद आया कि बीवी को लेके अपने घर जाए। चुनाचे बीवी का दिल नहीं चाह रहा था घर जाने को, माँ बाप के रुख्सत करने पर वो मजबूरन अपना सामान उठा के चली। अब दोनों मियां बीवी पैदल सफर कर रहे थे अपने गांव की तरफ। रास्ते में एक जगह पर बीवी को प्यास लगी, उसके खामिद को कहा कि मुझे पानी की जरूरत है। खामिद का आओ कुआं है और हम डोल खींचते हैं और उसमें से पानी लेके पी लेते हैं। चलो जी, खामिद जब कुएं के करीब गया ना और उसने देखा कि पानी कितना नीचे है तो बीवी के दिल में तो पहले से उल्टे सीधे ख्याल थे। उसने सोचा अच्छा मौका है, उसके पीछे से उसको धक्का दिया और खामिद जो था वो कुएं के अंदर जा गया। अब खामिद जब पानी के अंदर गिरा तो उसने आसमान वाले बेचारे ने बीवी समझी कि अब ये डूब जाएगा, मर जाएगा और मेरी जान छूट जाएगी। लो जी, बीवी ने अपना सामान उठाया और अपने घर वापस आ गई और घर आके उसने तमाशा बनाया, रोना धोना शुरू कर दिया। माँ बाप ने पूछा हुआ क्या, कह लगी आपने मुझे किसके हवाले कर दिया था, वो मेरा खामिद मुझे लेके गया और मैंने रास्ते में कहा कि मुझे पानी की जरूरत है, वो कहने लगा मैं पानी अभी लेके आता हूँ, फिर उसके बाद एक घंटा मैं इंतजार में बैठी रही और वो आया ही नहीं और मुझे डर लग रहा था, मैं अकेली जवान लड़की दुल्हन बनी हुई, कोई और गैर मर्द आ जाता तो मेरी जान का खतरा, मेरी इज्जत का खतरा, उसको तो मेरा कोई ख्याल ही नहीं आया और मैं तो डर के मारे वापस आ गई हूँ। अब माँ बाप को भी बड़ा गुस्सा कि ये हमारी बेटी को ले गया है और इस तरह उसको इसने बेसहारा बिठा दिया और खुद कहीं चला गया और कर नहीं किया। अब उस बंदे की बात सुनिए, वो जब पानी में गया तो जान बचाने के लिए उसने कोशिश की तो कुदरतन उसका हाथ जो डोल की रस्सी थी ना उसके ऊपर पड़ गया, तो उसने डोल की रस्सी को पकड़ लिया। कुछ देर तो उसको यकीन ही नहीं आता था कि मेरी बीवी मुझे कुएं में धक्का दे सकती है। फिर उसने सोचा कि हो सकता है उसकी तबीयत में किसी बात पर गुस्सा हो और उसने ऐसा कर लिया हो, चलो कोई बात नहीं है तो वो मेरी बीवी, मुझे अब बाहर निकलना है और इस मसले को हल करना है। और वो नौजवान आहिस्ता 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 डोल की रस्सी से ऊपर आ गया और कुएं से बाहर निकल आया। अब गीले कपड़े हैं उसके, वो वापस ससुराल में आया। ससुराल में आया तो सास और ससुर ने तो उसको आते ही जैसे सिंगों पे उठा लेने वाली बात है ना ऐसी हो गई, तो कितना जो है ना वो नालायक है, निकम्मा है, तूने हमारी बेटी को इस तरह अकेला बिठा दिया और ख्याल ही नहीं रखा। उसने सारी बात खामोशी से सुन ली और आखिर में उसने कहा कि जी मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा गलती नहीं करूंगा, तो मेरी बीवी को आप मेरे साथ भेजो।
तो माँ बाप ने फिर लड़की को कहा कि भाई अब तुम चलो इसके साथ। अब लड़की ने जल्दी जल्दी सामान उठाया और हामिद के साथ चलने के लिए तैयार। कहते हैं कि उसके बाद उस बीवी ने सारी उम्र उस हामिद की खिदमत में गुजार दी। वो कहा करती थी कि मेरे हामिद ने मेरी गलती को छुपाया, मुझे माँ बाप के सामने दिल रसवा नहीं किया कि इसने मुझे धक्का दिया। जो मेरा हामिद मेरी गलती को छुपाता है, मेरी इज्जत का ख्याल रखता है, मैं उसके पांव धो के चुकी हूँ तो मेरे लिए कम। सुभान अल्लाह। तो बीवी के दिल में ऐसा एतमाद पैदा करना, ऐसी मोहब्बत पैदा करना, ये खामिद की जिम्मेदारी है। तो तीन बातें मैंने मानी के एतबार से बताई और चौथी बात बताई कि खामिद के अंदर तहम्मुल मिजाजी का होना जरूरी होता है। तहम्मुल मिजाज आदमी बड़े बड़े मसलों को आसानी से हल कर लेता है। एक बात यह कि खामिद के अंदर मनफी सोच नहीं होनी चाहिए। एक होती है मुस्बत सोच और एक होती है मनफी सोच। जिस बंदे के अंदर मनफी सोच होगी ना, वो कभी अजवाजी जिंदगी अच्छी नहीं गुजार सकता, और जिसके अंदर मुस्बत सोच होगी उसकी जिंदगी हमेशा कामयाब होगी। कई दफा पढ़े लिखे बड़े लोग होते हैं, लेकिन चूंकि नेगेटिव थिंकिंग होती है तो बीवी को खामिद की अच्छाई भी बुराई नजर आती है, और खामिद को बीवी की अच्छाई भी बुराई नजर आती है। ये सोच का मसला होता है। मुल्क में जाना हुआ तो वहाँ पे मियाँ बीवी थे, उनकी शादी को 22 साल गुजर चुके थे और उनके दरमियान तलाक हो गई। तो लोग बड़े हैरान थे, परेशान थे कि दोनों पीएचडी डॉक्टर थे, बीवी भी पीएचडी डॉक्टर थी, खामिद भी पीएचडी डॉक्टर था, और तलाक हो गई। तो मुझे एक आदमी ने उनका किस्सा सुनाया और निकम्मी सी बात थी जिस पर तलाक हुई। बात थी क्या कि खामिद सुबह उठा तो कोई आधा घंटा लेट उठा। अब उसे फिक्र थी कि मेरी तो सुबह सुबह दफ्तर में मीटिंग है तो मैं कहीं लेट ना हो जाऊं, मुझे जल्दी निकल जाए। उसने चलो नाश्ता तो मैं बाद में कर लूँगा, कोई मसला नहीं, लेकिन कम अज कम मैं हाथ मुंह तो धो लूं। अब वो जब वॉशरूम में गया तो कोई बच्चा वॉशरूम इस्तेमाल कर रहा था, वो लॉक था। तो ये परेशान था कि मैं जल्दी निकलूं, मेरा तो वक्त गया हो रहा है। ये किचन में आ गया और किचन में जो वो लगा हुआ था ना बेसन, बेसन होता है, इसने उसके ऊपर आके अपना टूथ ब्रश कर लिया, टूथ पेस्ट कर ली और हाथ मुंह धो के चला गया। बीवी साहिबा जब अपनी ड्यूटी से वापस आई और उसने आकर देखा कि खामिद ने किचन के शेंक में टूथपेस्ट इस्तेमाल किया है, उसने बुरा मनाया। और खामिद घर आया तो उसके साथ बहस शुरू कर दी, आपके अंदर ज़रा सोफिस्टिकेशन नहीं है, आपको एटिकेट्स का पता नहीं है, किचन के शेंक में ऐसा नहीं करते, फला नहीं करते, फला नहीं करते। अब इस बात पर बहस शुरू हुई और नतीजा ये निकला कि मियाँ बीवी ने आपस में फैसला किया जी हम तलाक लेके अलग जिंदगी गुजारते हैं। अब मैंने जब ये रीज़न सुनी ना तलाक की, तो मैंने उसे कहा कि हाँ मुझे भी लगता है कि दोनों बीवी ने चली थे। वो बंदा मेरी जब देखने लगा कि साहब आपने बड़े अजीब अंदाज से कहा है कि दोनों पीएचडी थे, मैंने कहा मेरा मतलब ये था कि दोनों उर्दू के पीएचडी थे। कहने लगा क्या मतलब, मैंने कहा पी एच डी फिरा हुआ दिमाग। दोनों के दिमाग ही फिरे हुए थे ना, कि इतनी छोटी सी बात पे अलग जाओगे, निकम्मी सी बात को भी इग्नोर नहीं कर सके, माफ नहीं कर सके।
बर्दाश्त नहीं कर सके, तो पढ़े लिखे लोग भी ऐसी हरकतें कर जाते हैं। एक बार दिन में रखिए, जहां मोहब्बत मोटी होती है वहां पर ऐब पतले होते हैं, और जहां पर मोहब्बत पतली होती है वहां पे ऐब बड़े मोटे होते हैं। अक्सर जगहों पे आप देखेंगे कि जब मियां बीवी में मोहब्बत पतली होती है तो एक दूसरे पर इतराजात बहुत होते हैं। इसलिए मोहब्बत को मोटा रखें कि दूसरे की गलती भी गलती महसूस ना हो, तब अज़्ज़ा जिंदगी अच्छी मिल जाती है। अंग्रेजी में कहते हैं हाउस इज बिल्ट बाई हैंड एंड होम इज बिल्ट बाई हार्ट। ईंटें जुड़ती हैं तो मकान बन जाते हैं, जब दो दिल जुड़ते हैं तो घर आबाद हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो मियां बीवी निकाह के बाद एक दूसरे के साथ दिल को जोड़े ताकि घर आबाद हो जाए। ये मोहब्बत का ताल्लुक है, ये मोहब्बत की वजह से ही आबाद होता है। अल्लाह ताला ने अम्मा हवा को आदम साहब की पसली से पैदा किया, दिल से पैदा नहीं किया कि तुम कहीं पांव की जूती बना के न रख लेना, और सर से भी पैदा नहीं किया कि इसको अपने सर के ऊपर न बिठा लेना। अल्लाह ने पसली से पैदा किया कि पसली दिल के ज्यादा करीब है। मेरे बंदो, अपनी बीवी को अपने दिल के करीब रखना तुम्हारा खरा बात। सुभान अल्लाह। एक होता है हुस्न ज़ाहिर, ये चंद दिन की बात होती है। एक होता है हुस्न सीरत, ये इंसान के दिल में उतर जाता है। हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल। हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल। तो हुस्न सूरत से आंखें खुश होती हैं और हुस्न सीरत से इंसान का दिल खुश होता है। इसलिए बीवी को चाहिए कि वो अपने अंदर हुस्न सीरत पैदा करे ताकि खामिद के दिल में उसकी मोहब्बत आ जाए। खामिद अपने अंदर हुस्न सीरत पैदा करे ताकि बीवी के दिल में उसकी जगह बन जाए, फिर अलवा जिंदगी अच्छी गुजरती है। इसलिए शरीयत ने कहा खैरकुम खैरकुम लिअहलिही, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपने अहले खाना के लिए बेहतर है। यदि आदमी की अच्छाई का अंदाजा लगाना हो ना तो उसके बिजनेस से नहीं लगाएंगे, उसके दोस्तों से नहीं लगाएंगे, इस बात से लगाएंगे कि अपने बीवी बच्चों के साथ कितना अच्छा सलूक करते हैं। जो बंदा बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक रखता है अल्लाह की नज़र में वो अच्छा इंसान है, और जो उनके साथ बुरा सलूक रखता है वो बुरा इंसान। शरीयत का हुस्न देखिए, नबी साहब ने इशारा फरमाया कि खामिद अपनी बीवी को देखकर मुस्कुराता है और बीवी अपने खामिद को देख के मुस्कुराती है, अल्लाह ताला उन दोनों को देखकर मुस्कुराता है। तो जब शरीयत इस चीज को पसंद करती है कि मियां बीवी आप मोहब्बत का ये ताल्लुक रहना चाहिए और बढ़ाना चाहिए, जिन चीज़ों से नफरतें पैदा होती हैं उनसे इंतजाम करना चाहिए। अगर तुम दुख चाहो तो मेरे चेहरे से मत जाओ, चेहरे बुझ भी जाते हैं। मेरी कामत को मत देखो कि कामत टूट जाती है, तमन्ना हुस्न की है गर, मेरी गहराई में झांको, मेरे अंदर जो इंसान है वो सबसे खूबसूरत है। अगर अंदर का इंसान खूबसूरत होगा तो मियां बीवी की अज़वाज जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। अल्लाह ताला इन नौजवान बच्चों को कामयाब अज़वाज जिंदगी नसीब फरमाए, जिनका निकाह भी पढ़ा जाएगा। वाखिर दावाना الحمد لله رب العالمين